हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक और आल्सो फॉर नेक्स्ट मंथ। तो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट। बैंक निफ्टी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद हुआ है 35,370 पे, लगभग 330 पॉइंट के लॉस के साथ, लगभग 1% नीचे। अगर आप वीकली मंथली चार्ट पे देखोगे तो बैंक निफ्टी जो है तो क्लियर कट करेक्शन में है। और यहाँ हमने ऊपर के रेजिस्टेंस टेस्ट करने के बाद यहाँ जो है तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ जो है तो 31,000 और 30,000 के लेवल जो है तो उसके तरफ बैंक निफ्टी मीडियम टू लॉन्गर टर्म में बढ़ सकता है और ये करेक्शन वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अगर तो उसके नीचे जाते हैं तो हम एक लॉन्ग टर्म करेक्शन डाउन ट्रेंड में जाएंगे, जिसमें जो है तो फिर से हमें जो प्रीवियस लो थे लगभग 21,000 और उसके बाद में जो है तो हो सकता है कि हमें 16,000 का भी लो टेस्ट करने का मिल सकता है, अगर हम 30,000 के नीचे ऑन वीकली और मंथली क्लोजिंग बेसिस बंद होते हैं। तो करंटली मार्केट करेक्शन में है और ये करेक्शन मुझे लगता है कि 30,000 के अराउंड जाकर ही ख़त्म होगा। उसके बाद में मार्केट डिसाइड करेगा कि उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अगर नीचे जाता है तो हम डाउन ट्रेंड में जाएंगे, इकोनॉमी भी और मार्केट भी। और अगर उसके वहाँ से बाउंस बैक आते हैं तो हमें फ्रेश हाई देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1 से 1.5-2 सालों में। यहाँ मंथली चार्ट पे हमने देखा कि ऊपर के लेवल पे यहाँ अच्छा खासा प्रेशर आ रहा है मार्केट में। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 वीक के गेन के बाद इस वीक जो है तो फ्लैट 7.5% नीचे बंद हुआ है 262 पॉइंट लॉस के साथ बैंक निफ्टी। उसके पहले हमने पिछले हफ्ते लगभग 1400 पॉइंट की रैली देखी थी और उससे पहले जो है तो 1100 पॉइंट की। तो दो ही हफ्तों में हमने लगभग 2400 पॉइंट की रैली देखी थी। अभी ऊपर के लेवल पे बैंक निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है जो है लगभग 50 वीक का एवरेज। तो ये एवरेज जो है तो अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट कर सकता है मार्केट पे और हम जो है तो फिर से 31,000 के लेवल की तरफ धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। यहाँ S1 का लेवल जो है तो अराउंड 31,000 के अराउंड आता है और जो 200 वीक का एवरेज है वो 30,500 के अराउंड। तो ये दोनों लेवल जो है तो आपको एज अ लॉन्ग टर्म करेक्टिव टारगेट दिख सकते हैं। वीकली चार्ट भी वीक है और यहाँ जो है तो अगर बैंक निफ्टी लगभग 35,500 के ऊपर वीकली बेसिस पे सस्टेन करता है 1 से 2 वीक में तो आपको जो है तो एक शॉर्ट कवरिंग रहती है, रैली आती हुई दिखेंगी, जिसका टारगेट रहेगा 37,500 से लेकर 38,000। वहाँ भी जो है तो लॉन्ग को ही ट्रैप करेगा मार्केट। अभी करंटली जो है तो मुझे लगता है कि यहाँ बाउंस बैक मोड है और ये कंटिन्यू हो सकता है, मगर यहाँ आपका व्यू जो है तो लॉन्ग साइड कॉशियस रहना चाहिए, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। आई विल मोस्टली प्रेफर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी और अगर मुझे अच्छे खासे लेवल पे शॉर्टिंग करने के लिए मिलता है मार्केट, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट का बॉटम 31,000-30,000 के अराउंड ही होता हुआ हमें दिखेगा। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि हमने 200 डेज का जो एवरेज था इसको टेस्ट किया और वहाँ से जो है एक अच्छा खासा आपको सप्लाई आते हुए दिखा है मार्केट में। यहाँ जो है तो मार्केट जब तक पिवट के ऊपर है तो 35,000 के जब तक ऊपर है यहाँ लॉन्ग जो बना सकते हो 37,000 और जैसे मैंने कहा 38,200 ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। इन लेवल पे अगर मार्केट आता है तो यहाँ आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्गर टर्म में हम मार्केट में धीरे धीरे निचले लेवल पे ही जाते हुए देखेंगे। इस महीने के लिए जो मेजर लेवल है वो है 31,700 का। अगर मार्केट 35,000 के नीचे सस्टेन करता है 1 से 2 दिनों के लिए तो आपको जो है तो मार्केट में निचले टारगेट आते हुए देखेंगे। पहला टारगेट रहेगा 33,600, 32,900 और उसके बाद में 31,700 के टारगेट आपको गारंटी दिखा सकता है, जो हमारे लॉन्गर टर्म टारगेट है उनके तरफ धीरे धीरे मार्केट बढ़ सकता है। तो यहाँ आपको 35,000 जो है तो एक लक्ष्मण रेखा लेवल है और शॉर्ट टर्म लॉन्ग ट्रेडर अगर उसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो आपको बेरिश जाना है, इन द मनी पुट या फिर एट द मनी पुट लेकर उसको ट्रेड करना है। मंडे के दिन के लिए मेरा जो ट्रेड रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 35,000 के अराउंड से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है और यहाँ जो है तो क्योंकि मार्केट मुझे लगता है इतना ईजीली ट्रेड नहीं देगा, ऊपर के लेवल पे लोगों को ट्रैप करके फिर से नीचे आएगा। तो यहाँ मेरा लॉन्ग व्यू रहेगा, ये कॉन्ट्रा व्यू है। तो 34,900 के अराउंड जो है तो मंडे के दिन हम बैंक निफ्टी बाय करेंगे
एक 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस टारगेट रहेंगे हमारे 35,900 के। तो आपको एक 200 पॉइंट की रिस्क है और रिवॉर्ड जो है तो लगभग 800 से 1000 पॉइंट का है, तो एक अच्छी खासी ट्रेड है। हम जो है तो फोकस करेंगे 34,900 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर, विथ अ 6 स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का ऑन फ्यूचर। और जो है तो मुझे लगता है कि हम फिर से जो है तो 35,900 या उसके ऊपर के लेवल जो है तो बैंक निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ मेरा जो व्यू रहेगा मंडे के दिन वो लॉन्ग साइड रहेगा, मगर वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर स्टॉप लॉस चला जाता है तो हम ट्रेड से निकल जाएंगे और फ्रेश ट्रेड जो है तो उसका वेट करेंगे, वो आने पर ही एक राइट लेवल पे हम जो है तो लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड लेंगे। करंटली मुझे लगता है कि एक कॉन्ट्रा ट्रेड मंडे के दिन लिया जा सकता है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना है तो मेरी प्रीमियम सर्विसेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।